मैक में हमें जाना है अपने एप्पल के अंदर। एप्पल आइकन शो होगा फ्रॉम टॉप लेफ्ट कॉर्नर इन सेलेक्ट सिस्टम एक्सपीरियंस। मैक में हम अपने क्या करेंगे, एप्पल आइकन फ्रॉम टॉप लेफ्ट लेफ्ट कॉर्नर पे हमारा सिस्टम प्रेफरेंस होगा। सिस्टम प्रेफरेंस में क्लिक किया, जैसे हमने अपने इसमें किया था वायरलेस के लिए, तो हमें इंटरनेट के लिए भी सेम सिस्टम प्रेफरेंस में जाना होगा। सिस्टम प्रेफरेंस में गया, इसमें आपका सेम वही चीज़ पर्सनल हार्डवेयर, हार्डवेयर के अंदर आपका नेटवर्क का आएगा। नेटवर्क आने के बाद इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको देखिए इस साइड जो वाईफाई होगा वो वाईफाई दिखाएगा। हमें क्या करना है, इथरनेट केबल से कनेक्ट करना है। यहाँ पे शो कर रहा है इथरनेट, ये हमारे वाईफाई होना है यहाँ पे, तो हमारा इथरनेट भी कनेक्ट है, तो हमें आज इथरनेट से कनेक्ट करना है। इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन में क्या करना है, हमें यूजिंग DHCP यूज करना है। यहाँ पे अगर हम स्टेटिक करें तो हमें अपनी स्टेटिक IP भरनी है, मैनुअली भरनी होगी। अगर हम DHCP यूज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली IP उठाएगा और आपको डायरेक्ट सिर्फ ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आपके मैक के अंदर भी आपका इथरनेट से केबल से आपका राउटर सीधा एक्सेस होगा और आपका इंटरनेट वर्किंग हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आपकी जो भी प्रॉब्लम हो उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं उसका आपको सॉल्यूशन करके दूंगा। और आपको मेरी न्यू वीडियो के लिए आप मेरे YouTube चैनल को स्टडी वर्ल्ड टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।